रहे हैं स्टूडेंट फैसिलिटीज एडेड सक्सेसफुली। अब हो गया टू रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन, तो यस श्योर है, यस पर जैसे क्लिक कीजिएगा बता रहे स्टूडेंट प्रोफाइल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट एंड सक्सेसफुली। ओके नमस्कार सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम उल्टा मेडिकल क्लांक में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से इस शिक्षा कोर्स में बच्चों की फैसिलिटीज को अपडेट करेंगे, जैसे कि उसको पुस्तक मिला है कि नहीं, एफिलेंट मिला है कि नहीं, उनको मेडिकल सुविधा मिला है कि नहीं, पूरा आपको यस नो करके पूरा रिपोर्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्राउजर में आपको टाइप करना है ई शिक्षा कोर्स, टाइप करके जैसे सर्च कीजिएगा उसके बाद ये वेबसाइट का लिंक निकल के आ जाएगा। ये लिंक में ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। देख लीजिए शिक्षा कोर्स bihar.gov.in, इस पर क्लिक करना है। ऐप में नहीं करना है, बहुत सारे स्थिति ऐप में कर देते हैं। तो स्कूल पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है, स्कूल का डैशबोर्ड फिल करना है, फिर जो पासवर्ड है वो फिल करना है, फिर जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जैसे 5x10 हुआ 10 यहाँ पर फिल करके लॉगिन करेंगे, साइन पर क्लिक कर लेंगे। आपको जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो हमें क्या करना है कि स्टूडेंट का फैसिलिटीज़ अपडेट करना है। इसके लिए आपको जाना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन में स्टूडेंट इनरोलमेंट, उसके बाद ये 3 आइकन पर क्लिक करना है। ये हटने के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट इनरोलमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर ये 3 आइकन हटाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको ऊपर में हम दिखा भी दें कि व्यू वाले ऑप्शन पर है, मतलब क्या सर्च होगा डाट व्यू पर ही रहता है। अब नीचे हम क्लास इत्यादि सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लास सेक्शन जो भी आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम 5 क्लास का सिलेक्ट कर रहे हैं, सेक्शन जो भी आपके यहाँ है वो सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो इनमें से खाली रखना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको खोजे पर क्लिक करना है। खोजे पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा पूरी सूची निकल के आएगी, नीचे हम दिखा देते हैं आपको पूरी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर 10 तक ही शो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, मान के चलिए आपके यहाँ 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 100 पर क्लिक कीजिए तो टोटल आ जाएगा, या बारी बारी से 25-50 करके कर सकते हैं, ठीक है। हम टोटल ही करके दिखा देते हैं, जैसे 100 पर क्लिक किए तो पूरा वेट कीजिएगा, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। आगे पीछे करके देखिएगा तो जितना टोटल स्टूडेंट है उतना मेरा 100 होगी। हमें क्या करना है फैसिलिटीज़ अपडेट करना है। इससे पहले आप सब्जेक्ट टेक किए हैं, अगर सब्जेक्ट टेक नहीं किए हैं तो ये सीखने के बाद सब्जेक्ट टेक करना सीख जाएँ, तब जा करके ये रिक्वेस्ट आप वेरीफाई के लिए कर सकते हैं। पहला स्टूडेंट का कर चुके हैं, दूसरा स्टूडेंट का क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके आपको लेफ्ट लेके जाना है। जैसे लेके जाइएगा यहाँ पर ऑप्शन आता है सब्जेक्ट टेक, तो ये प्रोसेस आपको कर लेना होता है। उसके बाद स्टूडेंट फैसिलिटीज़ ये तो कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर खाली बता रहा है। रिपोर्ट क्या कार्ड क्या होता है कि रिजल्ट, बच्चे का जो रिजल्ट मार्कशीट अपडेट करना था तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होगा, मतलब जिसका आप अपडेट किए हैं यहाँ पर शो हो रहा है। वेरिफिकेशन के लिए हम भेज दिए हैं, BO साहब के पास पेंडिंग है, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन है, यहाँ पर नोट वेरीफाई दिखा रहे हैं हम, तो ये वाला हम वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर इसका फैसिलिटीज़ अपडेट करेंगे फिर वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। स्टूडेंट फैसिलिटीज़ जिनका यहाँ पर समझिए कि सेटिंग वाला आइकॉन जो है नहीं है, उनका फैसिलिटीज़ का काम हो गया है, इनका नहीं हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखना है कि देखिए ये सेशन है कौन सा, वित्तीय वर्ष आपका जो सेशन है 24-25 है, तो इस सेशन में आपके बच्चों को कपड़ा मिला है, ये कपड़े का रुपये मिला है, नहीं मिला है तो आपका NA रहेगा ही, ठीक है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड CWSN मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, नहीं है, तो क्या अवेलेबल हुआ है, अगर आपके बच्चे को ड्रेस का कपड़ा मिला है तो आप कीजिएगा, लेकिन अभी जो हम अक्टूबर में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं मिला है बिहार में अब तक, ठीक ना। तो ऊपर करके डाट क्या करते हैं, यहाँ पे निःशुल्क पुस्तक मिला है, इस पर यस कर देना है। परिवहन मुफ्त नहीं मिल रहा है, बाकी सब कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिला है। मान के चलिए कहीं हाई स्कूल में हैं उनको क्या मिला है, फ्री साइकिल मिला है, तो यस कीजिएगा, मतलब जो सुविधा मिला है आपके बच्चे को यस करना है, ठीक है, या फिर जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, लेकिन नहीं है तो नोट NA ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ रहेगा ही। अब यहाँ पर एक आता है कि क्या आपको पिछले 3 महीनों में कोई दवा मिली, तो पिछले 3 महीने में दवा मिली कौन सा मिला था, आपको मिला होगा एल्बेंडाजोल का, तो यस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना, यस पर क्लिक कीजिएगा। अब कौन सा मिला था उसको यस या नो करना है, यहाँ पर है क्या फोलिक एसिड आयरन का मिला है, तो NA का मतलब नॉट अवेलेबल, नहीं मिला है, ठीक है। ये मिला है डोरमिन टेबलेट मतलब कृमि का दवाई मिला था, तो यस पर क्लिक करेंगे। मतलब सभी के ऑप्शन में बारी बारी से सभी स्टूडेंट का करना है, पहले हम कर लेते हैं यस पर किए, अब बाकी NA पर है ही। अब यहाँ पर FLN जो आपके हैं, कॉपी मिला, फिर पानी का बोतल मिला या बैग मिला, तो यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, जैसे ही सबमिट कीजिएगा बता रहे डू यू वॉन्ट टू सबमिट, यस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा
जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट फैसिलिटीज एडेड सक्सेसफुली, अब हो गया ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, रनिंग होने के बाद आएगा रिक्वेस्ट टू वेरीफाई, क्योंकि हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर ऑप्शन आया आर यू श्योर टू रिक्वेस्ट फॉर वेरीफिकेशन, तो यस श्योर है, यस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा बता रहे स्टूडेंट प्रोफाइल वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट एंड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये रिक्वेस्ट बी ओ साहब के पास चले जाएगा, बी ओ साहब क्या करेंगे वहाँ उनको देख लेंगे उसके बाद, या बी ओ साहब के जो भी अकाउंटेंट है या जो भी ऑपरेटर है वेरीफाई करेंगे, तब जाके हमें वेरीफाई शो होगा। इसी प्रकार बारी बारी से सभी क्लास का, आपका 1 to 8 या फिर जो भी क्लास का स्कूल है सभी का बारी बारी से आपको स्टूडेंट फैसिलिटीज़ अपडेट करना है। इससे पहले तो सब्जेक्ट टेक किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वो देख करके आप समझ जाइए और कर लीजिएगा। इतना काम तो आप किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अब तो वीडियो को लाइक तो लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।